ओके, सो हमारा जो टॉपिक था दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इक्वेशन ऑफ मोशन का अर्थ होता है कि किस तरीके से पार्टिकल अपना होल मोशन ट्रेस, मतलब होल मोशन किस तरीके से पार्टिकल कर रहा है, तो उस मोशन की इंफॉर्मेशन जो छुपी होती है वो किस में छुपी होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन में छुपी होती है. मैंने बताया था कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ कुछ पैरामीटर्स एसोसिएट होते हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम. दीज आर द पैरामीटर्स एसोसिएट विद द मोशन, जो मोशन के साथ एसोसिएट करते हैं. तो एक ऐसी इक्वेशन जो इन पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करती हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं. या इन पैरामीटर्स में कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू गिवन हो और आपके बचे हुए पैरामीटर्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उस किसका इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं. सो लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बता दी थी. मैंने एक छोटी सी बात आपको और बताई थी, दीज इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैं आपको डिराइव करवा रहा हूं, इसकी डेरिवेशन इजी तभी है व्हेन वी कंसीडर दैट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. दिस इज ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. जब आप एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानते हो, ओनली एट दैट इंस्टेंट मैंने ये इक्वेशन आपकी ड्राइव की थी. अब हमारी जो पहली इक्वेशन आई थी वो आपने देखी होगी कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म. दिस इज द वेक्टर फॉर्म, क्लियर. उसके बाद मैंने आपको एक सिंपल सी बात और बताई थी कि हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का अर्थ यह है कि उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है. डायरेक्शन कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि वेलोसिटी की भी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन. तो हमारी जो स्केलर फॉर्म बनी थी वो क्या बनी थी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. दिस इज अवर स्केलर फॉर्म, स्केलर इक्वेशन, स्केलर फॉर्म. दिस इज स्केलर फॉर्म. नाउ इंपॉर्टेंट बात यह है, आप इसमें जब भी कभी स्केलर फॉर्म हम देखते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट, आवाज क्लियर नहीं आ रही. जब भी हम स्केलर फॉर्म निकालते हैं, स्केलर फॉर्म देखते हैं, तो हमें जरूरत किसकी होती है, हमें इस बात की जरूरत होती है कि हमें उनकी डायरेक्शन पता होना चाहिए. तो आज मैं आपको बताता हूं डायरेक्शन या साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है, मतलब वेलोसिटी v, u, a, इनकी मैं डायरेक्शन कैसे लूं, मैं इनकी डायरेक्शंस को किस तरीके से बताऊं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं. तो हमारे पास चार कोऑर्डिनेट होते हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं. आपने पढ़ा होगा, दिस इज वेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. देखो, एंड दिस इज ओरिजिन. सो जो चीजें आपकी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव करेंगी उन क्वांटिटीज को मैं पॉजिटिव मानूंगा. जो हमारी एक्स की तरफ जो चीजें चलेंगी उनको मैं कैसा मानूंगा बेटा, पॉजिटिव मानूंगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस कन्वेंशन. और जो आपकी ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगी उन सारी डायरेक्शंस को मैं क्या मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा. सो दीज आर द डायरेक्शन कन्वेंशन. नाउ जो चीज ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव करेगी उनको मैं पॉजिटिव मानूंगा और जो ओरिजिन से नीचे की तरफ आएंगी उनको मैं नेगेटिव मानूंगा. तो ये मैंने बताया कि साइन कन्वेंशन. किसी भी न्यूमेरिकल को जब सोल्व करोगे तो हमारे पास एक टास्क रहेगा कि हम उस चीज को नेगेटिव कंसिडर करें, हम उस चीज को पॉजिटिव कंसिडर करें. तो ये जो टास्क है वो पूरा तभी हो पाएगा व्हेन वी नो, जब आप जानो क्या, द साइन कन्वेंशन. तो जो ओरिजिन से राइट हैंड साइड जो भी चीज आपको मूव करती नजर आए, टेक इट पॉजिटिव. जो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड जो चीज मूव करती नजर आए,
टेक इट नेगेटिव, जो ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव करती नजर आए टेक इट पॉजिटिव, और जो ओरिजिन से नीचे की तरफ मूव करती आए उसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। वी ऑलवेज रिमेंबर दिस साइन कन्वेंशन। नाउ इफ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, किसी ने कहा कि कार है, दिस इज ऑब्जेक्ट, सो दिस इज ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो यू है वो दे रखी है 5 meters per second एंड फाइनल जो इसकी स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 10 meters per second और इनके बीच में कितना समय लगा इस स्पीड से इस स्पीड में आने का, जो समय लगा से 1 second से 1 second, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, इस पूरे मोशन का एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो नाउ लेट्स यूज अवर फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूं मैं, देखिएगा किस तरीके से। मैंने बताया द फर्स्ट इक्वेशन इज वी माइनस यू इज इक्वल टू 80। नाउ v देखना बेटा, v फाइनल वेलोसिटी किधर है, टुवर्ड्स द राइट, राइट साइड में मूव कर रही है। तो जो चीज राइट में मूव करे उसको कैसा लेना है बेटा, पॉजिटिव लेना है। जो लेफ्ट में मूव करे उनको कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। जो अप मूव करे उनको कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। जो डाउन मूव करे उनको कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। तो दीज आर द साइन कन्वेंशन। नाउ इफ v मींस v को हम प्लस 10 लेंगे, u भी बेटा किधर है, राइट साइड, दैट इज आल्सो प्लस 5, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू a इनटू टाइम इज 1, सो एक्सेलरेशन इज 5 meters per second square एंड दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि इसकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन आएगी वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। अरे वेलोसिटी जब इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये दिस इज द रोल ऑफ द साइन कन्वेंसिंग। अगर आपको एक न्यूमेरिकल को अच्छे से फील करके समझना है तो वी मस्ट नो द साइन कन्वेंशन, क्लियर। सो दिस इज वेरी फर्स्ट एग्जांपल। नाउ आई मूव टुवर्ड्स द सेकंड एग्जांपल। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज वो बच्चा मुझे चैट बॉक्स में भेजें। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम। द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स द राइट एंड द फाइनल वन इज दैट इज द v इज 5 meters per second दैट इज आल्सो टुवार्ड्स द राइट एंड द टाइम बिटवीन दिस इवेंट इज 1 second, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, what will be the acceleration? So things are very clear. Again we use the concept jo maine bataya, the equation is v minus u is equal to 80. Now v is also towards the right, that's why we take positive 5. Beech mein kya hai, minus u, u is also towards the right, so take it positive is equal to a and t is 1. So acceleration is 5 minus 10, that is minus 5 meter per second square. Now feel it, acceleration is negative, it means the motion is retarding. Ho bhi raha hai, initial velocity zyada hai, final velocity kam hai, iska matlab motion oppose kiya ja raha hai, motion retardation hai. और वो आपका साइन कन्वेंशन से भी पता चल रहा है। द नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस, एक्सेलरेशन मींस
द मोशन इज रिटार्डिंग, कि जो मोशन है वो कैसा है बेटा, रिटार्डिंग मोशन है. तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताएं. ऐसे क्वेश्चंस आप एच सी वर्मा की बुक उठाइए. एच सी वर्मा एनसीईआरटी, ये दो बुक उठाओ 11th क्लास की. और काइनेमेटिक्स चैप्टर है, उस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कर डालो. ये जो दो बुक्स हैं इनमें काइनेमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर डालो. मैकेनिक्स का बेसिक है काइनेमेटिक्स जो मैं करवा रहा हूं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम जो पहली इक्वेशन लेके आए v माइनस यू इज इक्वल टू 80, आप इस चीज को फील कीजिएगा एक क्वेश्चन के थ्रू. द सिचुएशन इज लाइक दिस. से u इज 10 मीटर पर सेकेंड, v इज 5 मीटर पर सेकेंड and the acceleration is say 2 meter per second square. Find the time interval between this motion A to B. Is A to B ke beech ka time interval bataein. Haan ji, please solve it. Please solve it. इसको सोल्व करके देखो बेटा, जल्दी बताओ. आंसर को चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, आंसर को चैट बॉक्स में दें. यस, एक बच्चे ने कहा 2.5, मैं कहता हूं गर्ल. अच्छा 2.5, ओके 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 ओके, इट मे बी राइट. यस, वेरी गुड. ओके ओके, गुड. 2.5, चलो फिल इट. हमारी इक्वेशन है v माइनस यू इज इक्वल टू 80. नाउ v इज अलोंग the positive towards the right, so take it positive. Minus u is also towards the right. Okay, v and u have the direction like this. So u is also positive, that is a 10. Now acceleration is towards the left. Acceleration kya diye rakhi hai, towards the left, so take it negative. So acceleration is minus 2 into t. So that is minus 5 is equal to minus 2 into t, and the t is 2.5 second. So the answer is 2.5 second. So aap is equation se samajh sakte hain ki is equation ko hum kab istemal karenge. Is equation mein kitne variable, 1 2 3 4, there are the 4 variables. If we know the value of 3 variables and we want to find the value of the 4th variable, we use this equation. Clear? इस equation का हम इस्तेमाल करेंगे जब अगर हमें acceleration दिया हो, time दिया हो, final velocity दिया हो, question में पूछ लिया initial velocity. तो we use this concept. अगर किसी ने initial velocity दी हो, final velocity दी हो, time दिया हो, and we want to find the acceleration, we use this equation. तो इस equation का इस्तेमाल कब करेंगे? When we know the 3 variable out of 4, 3 variables की value मुझे पता है चारों में से, तो I use this equation. Clear? And I always remember the sign convention. The things which are moving towards the right, take it positive. The things that are moving towards the left, take it negative. The things that move out towards the up, take it positive. And the things that move towards the bottom, that take it negative. So sign convention is very important, because if we not consider the sign convention, we acceleration ki agar direction mein negative nahi leta, so I get this t is equal to minus 2.5, and this result is impossible. Time is never negative. Time is either zero, things are rest. Halanki samay rukta bhi nahi hai,
ठीक है, बट आइडियल कंडीशन में हम ले लेते हैं t इज इक्वल टू जीरो सेकेंड, ठीक है, बट टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, द थिंग्स ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज मुझे प्रीति एंड दीपिका यादव, प्लीज बेटा मुझे ये बताओ माई वॉइस इज क्लियर और नॉट. नीलम के अलावा कोई और बच्चा प्लीज मुझे ये बताएं चैट बॉक्स में कि माई वॉइस इज क्लियर और नॉट क्लियर. ओके, प्लीज चेक योर कनेक्शन नीलम, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई वेरी फर्स्ट इक्वेशन जिसका हमने इस्तेमाल किया. नाउ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं. So, second equation of motion. Now, again fill it. अगर हम जानते हैं we know that what will be the formula of the velocity? The velocity is rate of change of displacement with time. This s is called displacement. ठीक है, displacement means the position. ठीक है ना, displacement कह दो या इसको position कह दो, दोनों बातें फिलहाल के लिए same है. Now इस equation को थोड़ा हम इस तरीके से rearrange करें तो I get ds is equal to v dt. ds is equal to v dt. Now we also know that from first equation hum jante hain ki velocity hamari kya hi thi beta, u plus at. From the first equation v minus u is equal to at, ya v is equal to u plus at. Now put this result here, so I get ds is equal to u plus at into dt. Now let's integrate this. अब इसका क्या करते हैं, हम integration करते हैं. तो integration किस तरीके से करेंगे, let's integrate this equation. Now this ds, बेटा ds लिख लेता हूं मैं, ds का integration इधर थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं मैं, u dt का integration plus at into dt का acceleration. Things are like this. Okay, इस तरीके से हमारी चीजें दे रखी हैं. Now this, what will be this u? U is the initial velocity. U is initial velocity and initial velocity is constant. Initial velocity जो u होगी वो आपकी क्या होगी बेटा, constant होगी. At t is equal to zero, at t is equal to zero, जो वेलोसिटी आई उसको मैं u कहा था, that is the initial velocity. And this initial velocity is always constant. The second thing, acceleration is also constant. Why? Because these all equation are solvable. ये integration easily तभी solve हो सकते हैं when we assume that the acceleration is constant. ऐसा नहीं है कि इस प्रकृति में जितना भी मोशन हो रहा है उसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है. बट हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं उन्हीं केसेस के लिए व्हेन द एक्सेलरेशन नॉट चेंज विद द टाइम, जहां पर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज ना करती हो, दैट इज द कांस्टेंट हो, उसी समय हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं. इफ हमारे पास कुछ ऐसे मोशन भी होते हैं जो समय के साथ चेंज करते हैं, मींस एक्सेलरेशन समय के साथ चेंज करती है, उस समय दीज इक्वेशन ऑफ मोशन आर यूजलेस. उस समय हम उस परिस्थिति के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते. क्लियर? नाउ जैसे मैं उदाहरण देता हूं, सपोज करो एक बैलगाड़ी है और उस बैलगाड़ी के ऊपर बैलगाड़ी है और उस बैलगाड़ी के ऊपर अनाज की कट्टे रखे अनाज के,
और वो जो कट्टे हैं वो लीक हो रहे हैं, मतलब अनाज उनसे गिर रहा है, तो कंटिन्यूअसली अनाज नीचे गिरेगा तो मास है जो उस पे गाड़ी के ऊपर वो मास कम होता चला जाएगा। मास कम होगा तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सेलरेशन अफेक्टेड होगी, तो कंटिन्यूअसली उसकी एक्सेलरेशन जो है वो चेंज करेगी। तो ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं कि द इक्वेशन ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल। ओके, सो इक्वेशन ऑफ मोशन आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन द एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। नाउ u is constant, so take it out, u integration of dt plus a, take it out, t into dt, and this is the displacement, this s is the displacement. Now main assume karta hu ki initial particle yahan hai, final particle yahan hai, this is the initial one, this is the initial situation, this is final situation, and this is the origin jo measure kar raha hai is sare phenomena ko, wo origin ho gaya. To origin se ye jo vector hai, so this is s1 vector, aur jo ye vector hai ye kya hai, s2 vector, jo iski position ko bata raha hai initial aur final. To initial pe samay kitna hota hai, t is equal to 0, और फाइनल समय क्या है, t इज इक्वल टू t. सो लिमिट पुट करो, इनिशियल द टाइम इज जीरो एंड द पोजिशन इज s1, फाइनली द टाइम इज t एंड द पोजिशन इज s2, द पोजिशन इज s2. ओके, द पोजिशन इज s2. एक बच्चे ने पूछा व्हाई वी टेक द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अरे मैंने 20 बार बता दिया, दिस इंटीग्रेशन इज सॉल्वेबल ओनली व्हेन दिस एक्सेलरेशन टेक आउट, जब ये एक्सेलरेशन को मैं बाहर लूंगा, वरना ये इंटीग्रेशन कभी सोल्व ही नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो एक्सेलरेशन बाहर कब ले सकते हो, व्हेन दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. So, जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ड्राइव की उनमें एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना, तभी वो इक्वेशन ड्राइव होके हमारे पास आई है. दैट्स व्हाई आई कंसीडर दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो दैट दिस इज सॉल्वेबल. ओके, नाउ आई इरेज दिस. नाउ डीएस का इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं एस, initial is s1, final is s2, this is u, dt ka integration t, initial is 0, final is t. In the similar way t into dt ka integration, that is t square by 2, initial limit is 0 and final limit is t. Now put these limit. So we get s2 minus s1 vector is equal to ut plus a t square by 2. A t square by 2. Now, what is s2 minus s1? S2 minus s1 is this s. कैसे बेटा? बताना. आपने कभी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा होगा. ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन कहता है जो सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर मतलब दिस, इसकी जो हेड है वो अगले की टेल के साथ मिल रही है, तो वो ऑर्डर क्या हो गया, सेम. सेम ऑर्डर का जो सम है वो जो अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, अपोजिट ऑर्डर मतलब टेल के साथ टेल या हेड के साथ हेड, तो वो क्या हो गया, अपोजिट ऑर्डर का हो गया, उसके सम के बराबर होता है. मतलब एस वन प्लस s is equal to s2. This is the triangular law of vector addition. क्या कहता है triangular law of vector addition? दोबारा सुन लो, जो दो vector same order में हो, same order means इसका head अगले की tail के साथ मिल रहा है, तो these are on the same order. तो जो same order में हो तो उनका जो sum है वो किसके बराबर में होता है, जो opposite order के चीज आई है. Okay, so from this we get s is equal to
एस टू माइनस एस वन. सो दिस एस टू माइनस एस वन इज एस वेक्टर. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द एस वेक्टर? एस वेक्टर क्या है? एस वेक्टर इज ए और बी पार्टिकल के बीच में, या ए और बी जो पोजिशन आई है इनिशियल और फाइनल उनके बीच का डिस्टेंस है. इट मीन्स इट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पाथ. सो दिस इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वेयर बाय टू. वेयर जो चीजें याद करने की हैं, समझने की हैं, वो क्या हैं? दिस व्हाट डू यू मीन बाय दिस एस? एस इज द डिस्प्लेसमेंट. एस इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल सिचुएशन या स्टेट. इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच का जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वन. एंड दिस यूज इनिशियल वेलोसिटी. दिस इज एक्सेलरेशन. दिस इज टाइम. एंड दिस होल इक्वेशन इज वेक्टर फॉर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ये क्या आ गई आपके पास? वेक्टर फॉर्म आ गई. क्लियर? नाउ हम इसकी स्केलर फॉर्म की तरफ ध्यान देते हैं, बिकॉज वी यूज द स्केलर वन. नाउ लेट्स कंसेंट्रेट ऑन द स्केलर फॉर्म. प्लीज नोट डाउन दिस. कैन आई इरेज? किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछें. चैट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है, मैं देखता रहता हूं. आप मुझे बता सकते हैं वहां पर. फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में यस द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट इज द जी. दैट इज 9.8. करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो दिस इज अवर वेक्टर फॉर्म. नाउ जब वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया तो उसकी स्केलर फॉर्म भी समझ में आनी चाहिए. क्या होती है देखते हैं जरा. द स्केलर फॉर्म इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. दिस इज द स्केलर फॉर्म. नाउ अगेन रिमेंबर द साइन कन्वेंशन. इफ द इनिशियल वेलोसिटी हैव द डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट, टेक इट पॉजिटिव. इफ इनिशियल वेलोसिटी हैव द डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट, take it negative. Means those quantity which having the direction towards the right, take it positive, and which having the direction towards the left, take it negative. Having the direction upward, take it positive. Having direction downward, take it negative. Always remember the sign convention to solve the numericals. Now is equation mein kitne variable? S displacement is the one variable. Initial velocity is the second variable. Time is the third variable. Acceleration is the fourth variable. If we know the values of three variables, इनमें से तीन variables की value अगर आपको पता होगा और आपको fourth निकालनी है तो we use this equation. Okay? Now let's take some example. Question है U is say 10 meter per second towards right
एक्सलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर टुवार्ड्स लेफ्ट टी, दैट इज द टाइम इज से 1 सेकेंड. ठीक है, टाइम इज द स्केलर वन, तो टेक इट 1 सेकेंड. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है. बताओ कैसे करेंगे, प्लीज सॉल्व करो बेटा. सॉल्व करो, चैट बॉक्स में जवाब दें. ओके, एक बच्चे का जवाब आ गया है, दूसरे का आ गया, दोनों का गलत. नो, डायरेक्शन और लिखा करो. व्हेन वी हैव द नेगेटिव थिंग, जब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. एक बच्चे ने -40 दे रखा है दुनिया से अलग. बेटा जितने भी बच्चों ने जवाब दिया है आल्सो डायरेक्शन और बताएं. टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स राइट. Towards right, right, right. भास्कर right, direction बता रहे हैं. Okay, अब मैं करता हूं question को, देखते हैं. Now the equation is s is equal to ut plus half at square. So s u is 10 towards the right. तो चीज जो राइट की तरफ जो मुंह कर रहा है, राइट की तरफ जो मुंह कर रहा है, टेक इट पॉजिटिव, टेक इट पॉजिटिव. सो दैट इज +10. टाइम इज 1 × 1 प्लस हाफ. एक्सेलरेशन टुवार्ड्स लेफ्ट, टेक इट -. टाइम इज 1, टाइम इज 1. सो 10 -5, that is 5, and this thing is positive. It means the displacement is towards right. Very good. जिन बच्चों ने right कहा था वो बहुत सही जा रहे हैं. Okay? तो situation कुछ ऐसी होगी. इसी question को थोड़ा बढ़ाएं. If time is 3 seconds, if t is equal to 3 seconds, what will be the displacement? ओके ओके, गुड गुड गुड. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सो एस यू इज राइट 10 × 3 माइनस, बिकॉज दिस इज ऑन द लेफ्ट, -10 एंड दैट इज 9. ओके, सो दैट इज 5. So that is 30 minus 45. So -15 meter. Okay? It means the motion is towards left. The motion is towards left. Okay? So आप बच्चों को ये क्लियर हो चुका होगा जो मैं बातें बताई हैं. अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं. हाँ जी, चलें आगे. यहां तक क्लियर है सेकेंड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन की तरफ मूव करें बेटा. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवार्ड्स द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन.
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फील इट, कि हम जानते हैं वी नो दैट बाय द डेफिनेशन द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज डीवी बाय डीटी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, नाउ इसी फॉर्मूला के अंदर अगर मैं इस क्वांटिटी को ds वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ds से डिवाइड कर लेता हूं, तो व्हाट विल बी द आंसर? नाउ एक्सेलरेशन इज, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, dv बाय ds इनटू ds बाय dt. Now what will be the ds by dt? मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज किया. Now I know the ds by dt is v vector. ds by dt कितना होता है? v vector. So a is equal to v dv by ds. This is our result. So, कभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाए तो वी आल्सो यूज दिस फॉर्म. हम इस फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, हम इस फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए. एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक फॉर्म तो कौन सी होती है? डीवी बाई डी टी. एक फॉर्म यह भी होती है, वी डीवी बाई डी एस. ओके, बोथ आर द बोथ इक्वेशन आर यूज टू फाइंड द एक्सेलरेशन. Now let's solve this equation. इस equation को solve करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा. So अगर ds को मैं इधर ले आऊं तो a ds is v dv. Okay? Now इस integral को solve करने के लिए, इस एक differential form को solve करने के लिए मैं क्या करता हूं? Integrate करता हूं. Now let's इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. तो इंटीग्रेट करते हैं, क्या आएगा बेटा? ए डी एस इज इंटीग्रल वी डीवी. ओके, नाउ एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट बिकॉज दिस इक्वेशन इज अगेन सोल्वेबल व्हेन वी टेक द एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट. वी ऑलवेज रिमेंबर दीज रिजल्ट. ये इक्वेशन ऑफ मोशंस है, ये तभी सोल्वेबल होती हैं व्हेन वी टेक द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. आप तीनों इक्वेशंस में ये चीज देख चुके होंगे. सो अगर एक्सेलरेशन को मैं बाहर ले लेता हूं तो आई गेट ए रिजल्ट, इंटीग्रल डीएस इंटीग्रल वीडीवी. नाउ सपोज द इनिशियल पोजीशन यही है, एक ऑब्जेक्ट इनिशियली ए पर है, दिस इज द इनिशियल, और फिर बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, दैट इज द फाइनल, और ये ओरिजिन है जो मेजर कर रहा है इन चीजों को, रेफरेंस है. नाउ ओ से ए की अगर पोजीशन लूं तो से दिस इज एस वन वेक्टर, ओ से बी की पोजीशन लूं से दिस इज एस टू वेक्टर. इनिशियल सिचुएशन में जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी है, से दिस इज यू. फाइनल सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी है वो क्या है? वी. सो लिमिट बताना मेरे को, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है? यू. उस समय डिस्टेंस, इसकी पोजीशन कितनी है? एस वन वैक्टर. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वी. उस समय पोजीशन कितनी है? एस टू वैक्टर. सो ए, आप देखो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इजीली लिख सकते हो, मैंने पिछले केस में भी करवाया था, s2 माइनस s1, और v dv का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है? v स्क्वायर बाय 2.
v square by 2. So the result is, the limits are u and v. Okay? Now let's put, now h2 minus s1 क्या बताया था? इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट, ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या दे दिया मैंने? एस वेक्टर दे दिया. तो इक्वेशन बनी ए डॉट एस इज इक्वल टू वी स्केयर, टू को अगर मैं इधर ले आऊं तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर, बिकॉज वेक्टर का भी अगर स्केयरिंग कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड आता है, रिजल्ट आता है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? स्केलर वन. So 2a dot s is equal to v square minus u square. So our result is v square minus u square is equal to 2a dot s. Okay? So this is the vector form. This is the vector form. Now, इसके अगर scalar form लिखनी हो तो क्या होगी? v square minus u square is 2as. This is the scalar form. This is the scalar form. Now, आपको clearly पता होना चाहिए कि what is v? V is the final velocity. What is u? U is the initial velocity. A is the acceleration and S is the displacement. तो हम इन equation का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं to solve the numericals. Okay? Again, remember the sign convention. If the things are moving towards right, we take it positive. If they are moved towards left, take it negative. So this is our third equation of motion. इसमें वेरिएबल देख लो, v, u, a एंड s, देर आर अगेन फोर वेरिएबल्स. तो अगर इनमें से हमें तीन वेरिएबल्स की वैल्यू पता हो तो वी कैन इजिली फाइंड द फोर्थ वन. क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा. u इज 10 मीटर पर सेकेंड towards right, v is 5 meter per second towards left, yeah, towards right hello, towards right, acceleration is say 2 meter per second. अब देख लो फाइनल घट रही है तो एक्सेलरेशन पक्का किधर होगी? टुवार्ड्स लेफ्ट. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जल्दी बताओ क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, निकाल के बताओ. और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी ये भी बताओ. जल्दी बताओ भाई. यस, भास्कर ने जवाब दे दिया है. ओके, वेरी गुड गुड. राहुल, ओके चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से. नाउ इक्वेशन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. देखो वी का स्क्वायर हो रहा है तो चाहे वो कोई भी डायरेक्शन हो उसको आप पॉजिटिव, क्योंकि स्केयर तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो जरा सोल्व करने की कोशिश करते हैं. कितना आएगा? v is 10, 10 का स्केयर 100 माइनस u is 5, 5 का स्केयर 25, 2, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट तो दैट इज माइनस 2 एंड दैट इज s, सो दैट इज 75 upon 4, that is s. So s is
माइनस 75 बाई 4 इतना आया क्या? माइनस 75 बाई 4 लिख लो. नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके ओके, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी. वी स्क्वायर वी इज 5, उल्टा लिख दिया ना. वी इज 5, तो 25 माइनस 100 दैट इज माइनस 75, और इधर से माइनस दैट इज 75 बाई 4. दिस इज द आंसर. v देखो कम है, 5 है, तो v square माइनस u square है, हमने उल्टा कर दिया था. तो लिख सकते हो द डिस्प्लेसमेंट इट टुवर्ड्स राइट, डिस्प्लेसमेंट इट टुवर्ड्स राइट. ओके, सो दीज आर द फेमस इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज यूज टू फाइंड द अननोन वेरिएबल्स इफ वी हैव नोन वेरिएबल्स. तो एक जस्ट एक छोटी सी समरी देख लो. फर्स्ट इक्वेशन क्या आई? v इज इक्वल टू यू प्लस 80. द सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सो ये तीन इक्वेशन है, और इस तीन इक्वेशन को, और दिस ऑल इक्वेशंस आर वैलिड इफ एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट. एंड द साइन कन्वेंशन, जो चीज राइट होगी उसको पॉजिटिव, जो लेफ्ट होगी उसको नेगेटिव, जो अप होगी उसको पॉजिटिव, और जो डाउन होगी उसको क्या लेंगे? नेगेटिव. ओके, सो इन चार इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम कोई भी काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इन इक्वेशंस पे और क्वेश्चन करवाऊंगा, और एक फोर्थ इक्वेशन और ड्राइव करवाऊंगा. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास. किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है. किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है. सर कल फिजिक्स की क्लास लगेगी, ये क्वेश्चन है आपका. कल ठीक है, कल मैच नहीं होती. अच्छा फ्राइडे नहीं, कल वो रीजनिंग वगैरह की क्लास लगेगी बेटा. बाकी मैं आपको बता दूंगा. हाँ अच्छा हो तो बता देना कल. बाकी रीजनिंग का और उनका डे होता है. ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर. थैंक यू. सेकंड